हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो इस वजह से हम बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपने चेयर पे बैठने हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने बैठना है, थोड़ा सा स्टार्ट करना है कि अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटनेस आपकी पोस्चर स्ट्रेट रहने का एक राज यह है कि देखें या सबने पीछे रखें और यहीं से आपने डीप ब्रेथ लेना है, डीप ब्रेथ लेना है और अपनी बैक को ना स्क्वीज करना है, स्क्वीज करना है, ठीक है। ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो शोल्डर है प्लस मेरे चेस्ट एंड आपसे बैक, ये मेरे स्टार्ट होती है एक्सरसाइज ऑफ मेरे माय चेस्ट लेवर। यस, ऊपर करना है और यहीं से आपने जब वापस आपने नीचे आना है तो एक्सेल करते हुए तो अपने शोल्डर को ना अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो साथ साथ अपनी गर्दन को भी क्या करना है, नीचे करना है। ये स्टार्ट ऑफ योर अपर बॉडी एंड नेक, बैक एंड चेस्ट, पेक्टोरियल कहते हैं इसको, क्योंकि एक चेस्ट नहीं है, हमारे पोर्शन जो ऊपर मेजर एंड माइनर पेक्टोरियल है तो वो से आपने करना है, ठीक है। इसी तरह आपने सॉरी ऊपर करना है, स्ट्रेच ऊपर एंड फुल बिल्कुल ट्विस्ट करना है, अपने आप को ट्विस्ट करना है। ओके, राइट, दूसरी तरफ फुल स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, डन। ओके, नाउ अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आप अपना जो बॉडी है थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड टेक आना, ठीक है, बिल्कुल इन द कॉर्नर और अपने एज ऑफ चेयर पे आ जाए, यहाँ से आगे ना, यहाँ आपने स्ट्रेट करना है और पहुँचना है कहाँ पे, आपको चिन को नी पे पहुँचा दे। दूसरा, ये अगेन आपका लग रहा है कि ये नी से कर रहे हैं या लेग से कर रहे हैं, नहीं, ये जो हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो असल में हमारा हैंड की और साथ हमारे बैक की एक्सरसाइज भी और साथ साथ आपके आर्म स्ट्रिंग और लेग की भी होती है, डन। ठीक है, दूसरी, ओके, नाउ अब अगेन क्या करना है, बैक की ऐसे आपने स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट और नी को स्ट्रेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने डाउन होना है, ठीक है, यहाँ से बैक स्ट्रेट करना है और फुल ऊपर देखना है, स्ट्रेच हुआ है, 30 सेकेंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 होल्ड करना है, यही से आपका फुल स्ट्रेच हो रही होती है, स्पेशली आपकी बैक, डन। ओके, नाउ आपने बैठना है लाइक दिस, ये देखें ऐसे बैठना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये तो हम थे अक्सर हम बैठते हैं लाइक दिस ना, तो आपने इसको आपने जो फीट है ऐसे रखना है, ठीक है, यहाँ से आपने स्ट्रेट करना है और डाउन, ठीक है, और दूसरे, मैं दूसरे लेग के बता देती हूँ, सिर्फ आपने एल शेप बनाना है, ठीक है, एल शेप बनाने हैं या आपने डाउन और आपने कोशिश करना है जो आपका जो लेग है वो क्या करना है, फुल डाउन की तरफ आपने प्रेस भी करना है, ठीक है, लाइक दिस, देखिए मैं खुद से इसको प्रेस कर रही हूँ नीचे की तरफ, ये क्या हो रहा है कि आपका लेग का भी हो रहा है और साथ आपके ऑब्लिक्स की भी हो रही है, डन हो गया। ओके, अब आपने उठना है, ठीक है, दूसरा इसको स्ट्रेट करना है, बैठना है जहाँ बैठ रहे हैं वहीं पे आपने लेग को स्ट्रेट करके और फुल रखना है, ठीक है, यह तो ऊपर ऊपर, ठीक है, पहले नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए,
स्ट्रेट होके फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बेंड करना है, फिर आपने स्ट्रेट करना है, फिर बेंड करना है। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट करते करते आपने करना है, आपके हाथ ना पहुंचाए कहाँ, टोस पे ऊपर देखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे देखना है। ओके नाउ दूसरा, इसी तरह थोड़ा सा बेंड एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट करते हुए जाओ, फुल कहाँ पहुंचना है। ओके, अब तो दूसरे जो लक है वो आपने बेंड नहीं होने चाहिए। ओके, परफेक्ट, राइट, अगेन बैठना है। अब कहाँ है आपके स्ट्रेचिंग, किधर होने चाहिए आपके बाजू की, ठीक है, अगेन स्ट्रेच, ऐसे उठना है एंड होल्ड रखना है। ये शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, आपकी फुल आर्म के क्या हो रही है, साथ स्ट्रेच भी हो रही है और आपके उसकी एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है जब हम स्ट्रेच कर रहे हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पहुँच रही होती है और साथ साथ आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्ट और हिंसन जब होती है तो उसी की आपकी जो स्किन है उसकी भी स्ट्रेच हो रही होती है और इससे सारे ब्लड है वहाँ पहुँचता है। डन हो गया। ओके, अब एक और भी है, ऐसे करने हैं, फिर दूसरी करने हैं, वेरी नाइस। ओके नाउ आप एंड शोल्डर को अगेन डाउन करना है एंड वहां तक पहुंचना है, परफेक्ट। ओके, अब है अगेन आपने उठना है, ठीक है, पहले तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक ये है, देखिए सिर्फ आपने नी रख के बैक स्ट्रेट करना है और ऊपर चेस्ट, ये आपके बैक की स्पेशल बैक एक्सरसाइज हो रही होती है। सेम इसी तरह दूसरी, और साथ साथ आपका क्या है, आपके लेग के भी हो रही होती है। That's it. Yes. अच्छा जी, so that is your stretching exercises for today. और ये बड़ी easy सी exercise है, अगर आपके पास chair है और आपके पास time है तो आप ये जो है ना time तो निकालना है। जैसे देखिए एक 10 minutes तो of course आपके पास तो होगी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपने 10 minutes से भी कम आपको ये मतलब आपने करनी कर दिया है। यस, बिल्कुल करनी है, जरूर करनी। थैंक यू सो मच किरण, हैप्पी बर्थडे अगेन, हमारी इंशाल्लाह आज दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर इस सब ब्रेज करके उसमें फिर ये टमाटर डाल देंगे और उसके बाद पालक और साग। क्या बात है दस शेफ बहादुर, क्या बात है आपकी, मुझे लगता है क्या बात है आपकी, एक दफा क्या बात है शेफ बहादुर, आप तो मल्टी टैलेंटेड है जी। लाइव गाना गाते हुए मुझे बताएं किसी शो पे आज तक है जी, वैरों साहब ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया ना पायनियर, किसी शो पे आज गाते हुए और वो भी अच्छी तरह गाते हुए है ना, ये नहीं कि खत्म हो जाए मजा उसका, इतनी अच्छी तरह गाते हुए किसी शेफ ने गाना गाया हो तो मुझे बताएं। है जी महकती मॉर्निंग द पायनियर ऑल न्यू। एक चीज आपको बता दूं, जो रेसिपी में जितना हल्दी मैंने डाला था उससे मैंने ज्यादा डाल दिया, मुझे समझ आ गई थी, लेकिन वो हम शुरू में एडजस्ट कर लेंगे साथ में। तो अगर आज आलू हिबलो थोड़ा आलू पीपलो बन जाता है, पीलियो और हीलियो नहीं पीलियो हो जाता तो कोई बात नहीं। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। क्या बात है बात हुई, if I'm not wrong, because I know that he's a Scorpio, right? If I'm not wrong, है ना? तो before, you know, without any further ado, मैं उनको यहाँ पर जो है दावत दूँगी। कवर असरान and फातिमा इफंदी कवर, ये मैंने ज़रूर पढ़ना होता है। Assalamualaikum जी सबको। Assalamualaikum।
मुझे तो हमेशा लगता है ना कि अपने ही मेहमान आ गए। साथ साथ में जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे जो सिंगर हैं बाबू अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ठीक है। बाबू अली जो है आज आपके लिए भी स्पेशल कुछ गाना गाएंगे क्योंकि आपकी जो है एनिवर्सरी भी आने वाली है एंड अदरवाइज भी ही इज अ वेरी गुड सिंगर सो ही इज गोइंग टू एंटरटेन अस एज वेल। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं फातिमा आप हर दफा मजीद हसीन होकर कैसे वापस आती हैं? मजीद हसीन ये मेरा शैडो आ रहा है फातिमा पे। में तो इंसान थोड़ा पीछे चला गया था ये लाइट आ रही है ये आपका नूर नूर आ रहा है जो मुझ पे पड़ा है केचे भाई की तरह है ना ये क्या क्या सीन है ये एवरी टाइम यू पीपल कम हियर यू माशाल्लाह ग्लोइंग फर्दर एंड लुक हैप्पियर आई थिंक इट्स द लव दैट वी गेट फ्रॉम लाहौर makes us glow that makes you glow true it is the love love and the food and the food ye asli baat ki aapne it's the food ye love to aata hi hai lekin yeah ke ek din mein hum log kha ke aise ho jate hain ke gain weight and then your face looks fresh acha what is it that you miss वैसे लाहौर आके हर कोई खाने की तारीफ करता है पर खाना तो मतलब वहां पर भी है यहां पर भी so what is it about लाहौर जो सबसे आपको अच्छा लगता है खाने में आई थिंक वैसे भी थोड़ा बहुत आप अपने शहर से बाहर ट्रैवल करते हो तो आप थोड़ा बहुत अपने आप को वो चीट डेज दे देते हो रूटीन चेंज हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव योर ओन टाइम घर से निकल के कराची में बिकॉज़ इट्स अ होम टाउन तो डेफिनेटली वर्किंग रूटीन डिफरेंट है और कराची वैसे ही थोड़ा ओवरऑल सब लोगों के लिए हेक्टिक रूटीन है यहाँ पर थोड़ा इट्स लाइक सकून लाहौर में इस्लामाबाद में अभी तो मौसम भी इतना बेटर हो गया है कि यू फील लाइक हैविंग और यहाँ पे सुबह उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना अच्छा क्योंकि सुबह होती नहीं है आप जब सुबह उठते हैं मुझे जब यहाँ आना होता है काम पे सो आई वेक अप अराउंड 6:30 7 और मैं उठती हूँ बाहर देखती हूँ मैं कहती हूँ मुझे द वर्ल्ड इज टेलिंग मी गो बैक टू स्लीप ठंड है नहीं है धूप निकली हुई सो जाओ अभी पहले तो ये होता था खिड़की से धूप आती थी ना तो मुंह पे पड़ती थी बंदा उठ जाता है लेकिन अब तो वही नहीं निकलती सो आई एम जस्ट driving in the you it's know it's like you're sneaking out it's like I'm sneaking way. out exactly only without the fun or the will to do it you know jab mujhe kaam pe aana hai aaj subah bhi I told fatma almost 10 times fatma uth jao तुम तो उठ जाओगे उठता अच्छा जब मतलब दो लोगों ने उठना होता है ना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है because then you keep convincing the other one कि तुम उठ जाओ पहले आप चले जाएं कोई बात नहीं पहले आप चला पहले आप नहा लें पहले आप तैयार हो जाएं तो फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं उठी तो इन्होंने नहीं उठना तो फिर मैं उठी तो ही गॉट अप अच्छा यूजुअली घर में भी यही होता है कि you have to get up first and you have to make the effort because initially के तुम्हें ज़्यादा time लगेगा even though मुझे लगना नहीं भी हो अच्छा then I get ready first and then he's like he takes but time but मुझसे ज़्यादा ही time लगेगा ना नहीं मुझ तुमसे ज़्यादा नहीं तो obviously अब देखें माशाल्लाह मुझे बालों की length लगेगी फातिमा को 15 hours नहीं सुबह में जब कहीं हमने जाना है जैसे शो में जाना वगैरह तो obviously I don't have to do my hair and makeup तो obviously फिर equally time लगना है तो फिर तो कोई time होता ही नहीं है so I'm with her I will always be on the woman's side वो गलत भी कह रही हूँ कोई time नहीं होता 15 घंटे is like मिनट्स सेकंड्स देखिए टाइम अच्छा गुजर रहा हो तो उसका पता नहीं चलता बट यूजुअली फातिमा मुझे भी लगता है कि बिकॉज़ हम शूट करते हैं आई नो गर्ल्स के टाइम ज्यादा लगता है बट कंपैरेटिवली फातिमा गेट्स रेडी अर्ली मतलब जल्दी कम टाइम में तैयार हो जाती है खुद इतनी हसीन है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती देखिए मैं तो तारीफ कर करके अगले बंदे को इतना अनकंफर्टेबल कर देती हूं कि वो यार भाग जाता है या वो खुद नहीं फातिमा यार तारीफें करते रहे शी नेवर बी अनकंफर्टेबल नहीं नहीं दे सेइंग यू विल रन अवे ओह आई विल रन अवे इट इज लाइक मी आई एम हियर टू प्लीज इधर भी आनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट है ना मेरे लिए भी शी इज माइन सो शी इज ब्यूटीफुल आई एम ब्यूटीफुल दैट्स सो स्वीट अच्छा आप लोगों की कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी है दिस ईयर फिफ्थ माशाल्लाह And what would you say? What has changed since you met her or you met him in 5 saalon mein? Shaadi I would say life has changed a lot. Matlab her sense mein, as in maturity, aapki aur main to mujhe to lagta hai ki the way jis tarah aap sochte hain aur jis tarah aap decision lete hain, wo bahut change ho jata hai. Especially after the baby, once you're a parent or father or mother, to bahut cheezein change ho jati hain. Usse pehle aap sirf अपने बारे में सोचते हैं और हर चीज़ अपने लिए प्लान करते हैं और सडनली पहले एक इंसान आता है और फिर एक नया विच इज़ अ ब्लेसिंग अलमीर फॉर अस तो हर चीज़ अभी वी आर ट्रैवलिंग वे गोइंग समवेयर अलमीर है या नहीं है वी ऑलवेज डिस्कसिंग हिम और आपकी लाइफ के डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के लिए तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे और मुझे तो लगता है कि अच्छे वे में
लाइफ बहुत अच्छा चेंज लिया है। तो मतलब जिन लोगों को लगता है कि शादी के बाद जिंदगी खत्म, यूजुअली कहा जाता है ना कि शादी के बाद तो बस सब खत्म, आई गेस ये आप पर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड रिस्पांसिबिलिटी हो गई है, ओ माय गॉड किसी को बताना पड़ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये इट्स अ नेचुरल थिंग, यू नो, आपसे कोई केयर के लिए पूछता है या इस तरह से, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उन चीजों को किस तरह से लेते हैं। ये सेंटीमेंट्स रियल है, आपके शो में आके ज्यादा हो जाते हैं कुछ सेंटिमेंट्स, है ना, मैं वही देख रही हूँ ना, मतलब कि ये जिम्मेदारी जितने जो हवा है उसमें इस्लामाबाद में ज्यादा वैसे ही बहुत ज्यादा है ना, मुरव्वत बहुत है इस्लामाबाद की हवा में, इट्स वेरी ट्रू। ये कराची में कोई नहीं है, कराची में सिर्फ काम है। लेकिन व्हाट ही इज सेइंग, मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं ना, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या यू हैव टू पुट योरसेल्फ सेकंड, यू हैव टू पुट अपनी फैमिली, अपना बच्चा फर्स्ट, यू नो, टाइम भी उसी तरह, तो ये सारी बातें यू आप एक बड़े पॉजिटिव मैनर में कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनर में, लेकिन लोग डरते हैं, भागते हैं इससे कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपको फील होता है, आपका दिल करता है कि आप ऐसा करें, अच्छा विलिंगली होता है, विलिंगली होता है, एग्जैक्टली, इसमें देयर इज अ डिफरेंस कि अगर मैं सोच के करूं कि ओ माय गॉड आई हैव नॉट टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी, ये वो, तो उसमें वो बात नहीं होगी, बट अगर दिल से होगा तो देयर इज डिफरेंट थिंग कि अगर आप दिल से करें। अच्छा, मर्द हजरात के बारे में जो कहा जाता है शादी के बाद बदल जाते हैं, इज दैट ट्रू? मर्द हजरात शादी के बाद इन अ वे हाँ बदल जाते हैं, बट नॉट इन, हो है दिस, ये कैमरे का कसूर है भाई, प्लीज आज सुन ले, मैं ना मैं मोटी हूँ ना मेरे गेस्ट मोटे होते हैं, ये हमारे कैमरे जो है ना, ये हमें थोड़ा सा हेल्दी दिखाते हैं, जो अप्रोप्रिएट वर्ड, दे वांट कि हम हेल्दी दिखेंगे ताकि अच्छी अच्छी एग्जांपल्स है। यू डोंट, क्यों कॉन्शियस कर दिया उन्होंने, यू लुक ब्यूटीफुल, मर्द बदल जाते हैं उस पे, ही वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट, हाँ शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं, बट not in a negative way, but ऐसे और लगता है आपको शुरू में कि you know that guy used to be more expressive before marriage, you know that I like you and बड़ा एक बड़ी एक वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, वो चीजें शादी के बाद कर रहा हूं तुम्हें, ये वो चीजें जो है वो फेड आउट होना शुरू हो जाती हैं, but then it's क्यों इज इट बिकॉज़ वो लड़की मिल गई है तो बस अब ठीक है, नहीं इट्स नॉट, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आने में नहीं बहुत फर्क है, मैं तो नहीं एग्री करती इसे, क्या बोलने में कितनी तकलीफ होती है, एक मतलब नो यू आर नॉट मैरिड, देयर इज अ रीजन, दो घंटे में दिन में और तीन घंटे में फोन पे बात करने में और उसी इंसान के साथ हर वक्त रहने में बहुत फर्क होता है। हाँ। जैसे हमारे नहीं, बात तो मुझसे अभी भी 5 मिनट भी नहीं होती किसी से भी, जैसे लेकिन एक मैं कहती हूँ एक्सप्रेस, एक मैसेज कर देना, एक बात कर देना, एक घर आते हुए रास्ते में कितने कितने बच्चे आते हैं, प्लीज भाई फूल ले लो, आसान होता है, पहले सिर्फ बातें करनी होती है, बाद में आपको एक्शन, एवरी डे यू हैव टू प्रूव यू लव समवन, आई लव यू, आई हैव टू प्रूव इट, आई डोंट हैव टू से इट, यू नो, मैं सुबह दोपहर शाम को ओ बेबी आई लव यू सो मच, ये वो, और इट्स मोर नेसेसरी टू प्रूव इट रादर देन सेइंग इट, हाउ डू यू प्रूव, यू आर सेइंग इट, देखिए हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्मेदारी एंड प्रूविंग, एक तो है मतलब आई एम टेकिंग केयर ऑफ द किड, हम खाने पे जा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, ये तो वैसे भी करना है ना, प्रूविंग इट तो नहीं हुआ, इट्स हाउ यू डूइंग इट, अच्छा हाउ यू डूइंग इट, आउट ऑफ केयर, हां, or you just doing it like aise hi, how do you know na, ye to main keh rahi hu, how do you prove shaadi ke baad, why I'm asking this is because mashallah you're a very good couple aur maine shaadi dinner yahan pe aapki ladai zarur karwani hai shaadi mein isliye, lekin I'm saying ke har aisa couple they are always together jo mashallah ek example hote hain sabke liye everything, shaadi ke baad you're always together, bacche bhi saath hote hain, khana bhi saath khana hai, to wo jo ek pyar aur affection जो लोग शिकवा करते हैं कि नहीं रहा, वो कैसे दिखाओ फिर? For example, अगर बातें नहीं है तो फिर और क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सम डेज आर लो, सम डेज आर हाई, यू नो डिफरेंस होता है वो, सो जो दूसरा इंसान है, इफ ही इज देयर और शी इज देयर फॉर यू आर नॉट, वो टाइम होता है यू केयर, यू शो योर लव, नॉट बाय सेइंग इट बट बाय डूइंग समथिंग, बाय सपोर्टिंग or anything, देखिए जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, लाइक इफ वी गो फॉर शॉपिंग, आई हैव सीन मैनी पीपल यू नो हु सेड टू देयर वाइव्स वी लव यू एंड थिंग्स लाइक दैट, बट जब हेल्प करने की बात आती है तो शॉपिंग किसी और को भी लेके जाते हैं, आई हैव सीन देयर लीस्ट बॉदर्ड लाइक तुम चली जाना है वो, ये चीजें जो है ना वो आई गॉट व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क,
तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि एंड यू नो दैट यू नो अगर मेरी किसी से भी कुछ भी लड़ाई हो जाती है या यू नो कुछ भी होता है सो आई हैव समवन हु इज देयर फॉर मी यू नो हु आई कैन रिलाय ऑन. तो मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो आपको वो चीजें उन चीजों से आप प्रूव करते हो कि you actually love that person instead of saying oh baby kuchu did you have your food kana talia baby ne nahi to no please don't do that. I don't know if I like it or not but please don't do that. But what I was asking was exactly this it's the small things. ठीक है जिस तरह आपने बड़ी क्यूट बात की एक तो मर्द हजरात में माचोपन बड़ा होता है ना उनकी मर्दानगी को बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है तो कोई अगर ये कह दे कि मैं अपनी बीवी को शॉपिंग लेके जाता हूँ मैं इवन उसकी हेल्प भी करता हूँ व्हाट शी शुड वेयर एंड व्हाट नॉट तो ज़्यादातर लोग आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दिस. ओ यार लड़कियों वाले काम करने साथ जाते हैं व्हाटएवर बट दिस इज वेयर द लव शोस दिस व्हाट मैटर्स टू अस. वैसे मुझे समझ नहीं आती इवन ऑन द सोशल मीडिया एक्टर्स हैं कुछ लोगों की मैं और वी आर स्टिल फ्रेंड्स हम लोग मतलब शादी हो गई बच्चा हो गया वो बट मतलब फ्रेंडशिप तो है ना. तो अभी हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे फॉर द इंस्टेंस कि मुझे याद आया इफ कोई चीकी मोमेंट है आप पिक्चर लेते हैं और आप उसको अपलोड करते हैं एंड पीपल से कि ये तो कोई प्राइवेट मोमेंट है इसकी पिक्चर क्यों अपलोड की है या ये नहीं करनी चाहिए मुझे ये समझ नहीं आती. एंड वी ऑलवेज डिस्कस दिस कि जब दो लोग मियाँ बीवी या फ्रेंड्स या कोई भी पब्लिकली लड़ाई कर सकते हैं बट कोई प्यार से कोई अफेक्शन कोई प्रूफ कुछ नहीं कर सकते उसके लिए लोग बोलते हैं कि वहां जाओ जहां कोई नहीं हो. व्हाई इज दैट सो मतलब यू कैन फाइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आप लड़ाई करें आप तमाशा करें वो सब पीपल से कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है और ये वो और इफ इट्स लव और इफ इट्स समथिंग पॉजिटिव देन पीपल से कि यार ये देखो शो ऑफ कर रहे हैं शोखे हो रहे हैं इतनी क्या जरूरत है इतनी क्या जरूरत है बड़े जालिम लोग हैं पता है जमाना चाहता ही नहीं है लोग खुश हिपोक्रेसी. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ बहुत ज्यादा एंड आई ऑलवेज फील लाइक ज्यादातर हेट जिन लोगों से आता है ना ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं ने हर किसी को हाँ अपने तरीके से ब्लेस किया हुआ है किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है एवरी वन हैज देयर ओन मतलब ब्लेसिंग्स बट आपका जो एटीट्यूड है ना वो आपसे लोगों को लोगों की पॉजिटिविटी दूर रखता है बिल्कुल. छोटी सी ब्रेक के टाइम है ब्रेक के बाद वापस आते हैं ये तो हमने जरा क्योंकि आज हमारा सवाल भी यही था कि एक शादीशुदा कपल में ऑटोनॉमी कितनी होनी चाहिए प्राइवेसी जो है वो कितनी रह जाती है या फिर इट्स ऑल अबाउट द बोथ ऑफ यू. छोटी सी ब्रेक के टाइम है ब्रेक के बाद वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और हम गाना भी सुनेंगे. तो अगर आप अपनी बेगम से प्यार करते हैं और एक्चुअली एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहले अपनी बीवी से मिलने चले जाए तो क्या होता है मतलब फिर आप मर्द नहीं. मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर है आदमी जो है वो थोड़ा सा पहले ही डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि जोरू का गुलाम. हाँ प्यार है तो वो पंजाबी में कहते हैं थल्ले लग गया है ना. हाँ, बस वही है मैं सब दोस्तों से कि अगर आपने तो ये तो अगर आपकी बीवी के लिए चाय बना दी या कुछ कर दी वो तो आए तो सिर्फ पब्लिकली आई इवन मेड फीडबैक फॉर चाय नहीं बनाई मेरी ने क्योंकि कहा मेरे को चाय आती नहीं है बट वैसे ही इवन हेल्प्स एंड ही डज थिंग्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल लाइक ही वुडंट से टू मी लाइक अगर वो खाना बनाना चाहती है अगर वो यू नो शी वांट्स टू डू ऑल दोस थिंग्स फॉर हर हस्बैंड तो वो भी एक अच्छी बात है तो वो भी तो दोनों इंसान है ये नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आई एम अ मैन मैं आदमी हूँ तो मेरे लिए ही सारी सर्विसेज होनी चाहिए तुम मतलब अगर काम भी कर रही हो अलमीर को भी देख रही हो
आप मेरे शो पे प्लीज ज्यादा आया करें, ठीक है? आप लोगों को मैं जरूर बुलाऊंगी। एक जो है ना, स्पेशली इतनी प्यारी इन्होंने एक बात की जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर हम गाने की तरफ चलते हैं, कि आपके बच्चों के सामने जो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं वही वो बच्चे आगे लेकर जाते हैं और वही रेसिप्रोकेट और वही आपको मिलेगा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास है ना कि पूरी जिंदगी अब्बा जी से भी डर लगता है, अम्मा जी से आपने कुटे खाई है, और उसके बाद बड़े होके फिर भी हैव ओल्ड होम्स की एग्जांपल एंड एवरीथिंग, इज बिकॉज़ कभी वो प्यार दिखाया ही नहीं, और फिर आगे वो अपनी बीवी को जब लेकर आते हैं तो ओल्ड, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमारे पास बैठते क्यों नहीं है बच्चे। तो वो आपने अगर प्यार दिया होगा उनको या उनके सामने एग्जाम्पल सेट किया होगा। हमारे यहाँ मैंने देखा है पहले के जमाने में, मतलब जितना औरतों से रवैया जिस तरह का होता था हस्बैंड्स का, बच्चे देखे फिर इवेंचुअली माँ से ही हमदर्दी करते हैं। True, and then when they grow up, they're like माँ के साथ साथ माँ को हर चीज बतानी है, तो फिर उनके जो जो फादर्स दे गए बड़े मैरिटल रिलेशंस में इतने सारे सारे बच्चे बारह बार पिक्चर्स तो नहीं खींच के लोगों को बताते ना कि उन्हें कितना प्यार है एक दूसरे से। सामने तो वो चपेड़े लगा रहे होते हैं लेकिन माशाल्लाह उनके बच्चे 5, 6, 7, 8 होते हैं, जो मुझे आज तक नहीं समझ आई। खैर एनीवे, अगेन हम लोग काबिले इतराज जो है ना गुफ्तगू में ना चले जाए। द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपके जो मियाँ बीवी होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो आप आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, उन्हीं से आपके सारे सीक्रेट्स शेयर होने चाहिए, उन्हीं के साथ आपने एक इंडिविजुअल बड़ा करना है जो आगे सोसाइटी का मेंबर होगा। एंड वर्क ऑन दैट, तो वर्क ऑन योरसेल्फ्स एंड ईच अदर। और अपने मियाँ बीवी में आपस में प्यार नहीं होगा तो आगे आप क्या ही सिखाएंगे। सो प्लीज, और क्या है, हेट मत करो यार, इतने हेटर्स हैं हर जगह। यू विल कम देयर कमेंट एंड दे विल बी लाइक हेट यू एंड हेट दैट, रीबी ठीक, बिकॉज़ दे हैव नथिंग एल्स टू डू। हां, दे हैव नथिंग एल्स टू डू। तो मुझे लगता है कि बॉदर नहीं होना चाहिए आपको। हां, यू शुड बी कंसर्न्ड विद योरसेल्फ। अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो फैमिली होगी, फैमिली नहीं होगी तो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे तो नेबर्स होंगे, कोई ना कोई आपको ड्रैग करने के लिए बैठा हुआ है पीछे। यू शुड नॉट बी बॉदर्ड, यू शुडन्ट बी बॉदर्ड बाय दैट, दैट्स ट्रू। मेरे पास ना एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए, पकड़े जरा। अच्छा, होना ये है कि मैं एक सवाल पूछूंगी एंड आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, ठीक है? Okay. मेरी तरफ देखिएगा। Okay. और आपने बोर्ड जो है वो उठाना है। अगर वो ये करते हैं जो कुछ भी है तो वो आपने ही एंड यू हैव टू से मी, ठीक है? एंड द अदर वे अगर वो है तो फिर शी। समझ आ गई? ठीक है जी, रेडी जी। अच्छा, सबसे पहले गुस्से में कौन जल्दी आता है? हाय, देख रही हूँ। Don't look at him. Okay, that's correct. TV कौन शौक से देखता है? Very nice. दो points आप लोगों के बिल्कुल सही हो रहे। साथ साथ क्या बंद है, क्या चल रहे? Okay. अगला, भूख कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या होता है फिर, क्या होता है जब बर्दाश्त नहीं होती? लड़ाई होती है। Hulk. He becomes a, he becomes a Hulk. मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या होता है। अच्छा? और ये मेरे साथ अभी से नहीं है। हाँ? बहुत शुरू से है। जब मैं स्कूल से वापस आता था उस टाइम से मुझे याद है। हाँ? कि गुस्सा तो एक, मतलब एक छोटा वर्ड होगा, अगर उस वक्त कोई बैड सिचुएशन हो जाए तो आई विल बी वर्स्ट। अगर भूख लगी हुई हो यार, भूख में जा की कसम, रमजान मेरे लिए इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है। देखिए, चले इससे मैं पहले चले, रोजे तो आप सारे रखते हैं। मेरी जो डेट्स, मेरे ऑफ डेज भी आ रहे होते हैं वो भी मैं शूट पे दे देती हूँ, मुझे शूट पे मैं कर नहीं चाहती। मजे की बात होने चलिए, बट यू मस्ट बी वेरी नाइस पर्सन आफ्टर योर फैक्ट, आफ्टर इफ्तार ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। कोई और कवर होते हैं ना जो बाद में होते हैं। फ्रॉम इफ्तार टिल सहरी इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। मैं आपके घर रमजान में तो कभी नहीं आ रही, मुझे मत बुलाइएगा कभी भी इफ्तारी पे। अच्छा जी, मैं इफ्तारी पे बुलाऊंगी, आप बिल्कुल इफ्तारी के टाइम आ जाइएगा, मैं रास्ते में खजूर खाती हुई आऊंगी, ठीक है? ताकि वो खत्म हो चुका। अच्छा जी, कौन हर टाइम मोबाइल यूज करता रहता है? अच्छा, वो भी मानती है इस बात को। ओके, यार अब सेल्फी हैव टू स्टे अप टू डेट। कौन ज्यादा रोमांटिक है? उठा लो, उठा लो, उठा लो। कौन ज्यादा रोमांटिक है? आई थिंक बोथ। बोथ, सो इट शुड बी लाइक, इट शुड बी लाइक। चलिए, आप कहते हैं तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा।
दोनों में से ज्यादा सुस्त कौन है? आपको शर्म नहीं आती ऐसा इतराफ करते हैं लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन? नहीं देखिए, नहीं आपकी तस्वीरों की वजह से तो हम सबको पता है, सॉरी करेंगे एंड में शो के लिए, शो के लिए ठीक है। दोनों में से ज्यादा सुस्त कौन है? अब मुझे इनकी बात पे यकीन आ गया कि कितने 14 आवर्स लगते हैं जी तैयार होने में। चलो सुस्त इज लाइक हर काम में ले यार, अभी मैंने मेकअप रूम में खुद मेकअप किया, 5 मिनट के अंदर अंदर किया। स्लो स्लो है, स्लो इन द सेंस कि कुछ भी काम स्लो करती है। नो आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, आई जस्ट नीड ब्लैक कॉफी। हां शी इज इंप्रूव्ड, नो दैट इज मिजाज है ना, रियलिटी के इंप्रूव किया है, बिकॉज़ जिस काम में when we got married, जिस काम में फातिमा को almost 30 minutes लगते थे, अब उसमें 10 to 12 minutes में हो जाता है। Oh, 50%! But actually वो काम 3 minutes का होता है। Problem यहाँ है। Please zoom in on her face. जो expressions हैं ना इसमें। That doesn't matter. पता है ना घर भी साथ जाने हैं। I'm sorry. Foreign sorry. नहीं नहीं, actually वो काम 45 minutes का होता है, फातिमा does it in 30 minutes. But I can do it in 5 minutes. अगला सवाल, तैयार होने में टाइम कौन ज्यादा लगाता है? कोई बात नहीं, खातून है, एक्सेप्टेबल। बीमारी में कौन नखरे ज्यादा उठवाता है? वाकई? अच्छा मैंने सुना था कि मर्द रात को फ्लू भी हो जाए तो कहते हैं बस अब नहीं ठीक हो रहा, मगर लेकिन ये उठाए नहीं जाते। अच्छा कोशिश हो दुनिया में आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंटरनल बीमारी है दूध पी लो, एक्सटर्नल बीमारी है वैसलीन लगा लो, ये दो सोल्यूशन होते हैं। अगर आप बीमार है जो मेरी सारी फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, अच्छा फातिमा की तबीयत खराब है, दूध पी लो या वैसलीन। I actually so believe in these two things. अच्छा। कि अगर आप ये दो काम करें तो अल्लाह आपको कभी ये जो है आपकी तीमारदारी के लिए ना अवेलेबल हो सिर्फ। So what do you do when you take care of yourself? I tell you one thing, this is the funniest thing I could ever do. अब मुझे लगता है उस वक्त obviously इतना शायद mature नहीं था, when Fatima had a labor pain. देखिए आप फिर कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं। सुबह 4:30-5 बजे इज लाइक शी इज लाइक कमर आई हैव टू गो, ये वो आई एम नॉट वेल, ये सो जाओ फातिमा मैं तुम्हें दबा देता हूं, तुम सो जाओ। जो खवातीन एंड लेबर पेन, आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर टेलिंग देम आप सो जाए कोई बात, इट कैन वेट। Yeah, I got so worried, I started crying. ये तो he slept and he was like के मैं बता के सो रहा हूँ, देखो सुबह शूट है मेरी, तुम वेट करो। Very nice. कल की तारीख आप एक ग्लास दूध पी और वेट करें। कल की तारीख में कुछ नहीं होना चाहिए, तुम वेट करो सुबह शूट है मेरी। And then you later cried, बाद में रोना आ गया फिर। बाद में मुझे रोना आया फिर, that's another story. नहीं हम I want to listen to it, को हम बाद में खेल लेंगे। नहीं 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 खेल नहीं सकता। So no, that's very sweet. Were you worried? परेशान हो? I was worried. Actually the day I was talking about, जिस दिन तबीयत खराब हुई, I told her कि सो जा। वो it was a normal day. I took her to the hospital उसी वक्त सुबह 5 बजे और that day it didn't happen. उस दिन we had to wait. Next morning मैं सो रहा था और मैं घर आ गया था रात में और मैं सो रहा था, सुबह मुझे कॉल आई तकरीबन 9:30-9 बजे और नहीं 6 बजे 5 6 बजे तो आई डिडंट पिक अप है ना काफी टाइम तक आई केप कॉलिंग एवरीवन बिकॉज़ आई सेंड हिम होम एंड आई वाज लाइक गो स्लीप बिकॉज़ माय मॉम हैड कम ओवर यू वर इन द हॉस्पिटल हां तो आई हैड बीन कॉलिंग हिम एंड एवरीवन एट द हाउस एंड नो वन वाज पिकिंग अप और वो कुछ चीजें खराब हो गई थी एंड देन शी इज लाइक के आई एम इन डेंजर और द बेबी इज इन डेंजर, देन आई केम टू द हॉस्पिटल और मुझे समझ नहीं आया, देन आई स्टार्टेड क्राइंग और वो बट एवरीथिंग हैपेंड अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू नो यू हैव अ हेल्दी बेबी नाउ। या बट वो कभी-कभी इंसान पैनिक कर जाता है, एंड आफ्टर दैट आई गॉट टू नो के कितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ, तो फातिमा and definitely Almir or what is family and everything,
सो बहुत इमोशनल मोमेंट था. आप कब तक इस्लामाबाद में हैं? मैंने आपको रोज शो पे बुला रहा है, ठीक है. वी विल सेट एग्जांपल्स ऑफ गुड फैमिलीज हियर. अच्छा जी, ये हम खत्म करते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे. कौन ज्यादा इमोशनल है? आई थिंक हमें आंसर तो मेरी, बट हु इज मोर इमोशनल? अच्छा आपके पास कौन सा आंसर है? दोनों कह रहे मैं, दोनों इमोशनल है मुझे लगता है. हां फातिमा भी इमोशनल है एक्चुअली. दोनों इमोशनल है. फातिमा एक्सप्रेसिव ज्यादा है, आई एम लेस एक्सप्रेसिव. हां स्कॉर्पियोस का मसला होता है कुछ नहीं, बट इमोशनल है दोनों. पर इमोशनल दोनों. अच्छा कमरे में ज्यादा खलारा कौन मचाता है? माशाल्लाह दोनों मान रहे, बोथ आर कमिटिंग टू देयर क्राइम्स. और प्लीज लेकिन कहीं छुप छुप के इनके भी काम हो रहे होते हैं. जैसे मेरे कपड़े फैले हुए होंगे तो बीच में से चार पांच जींस इनके भी निकलेंगी जो कोने में मैं करके रखूंगी. ज्यादा होते हैं ये वो जो इंटेलिजेंट खलारा पहलाने वाले होते हैं ना, वो छुपा देते हैं, छुपा के खलारे के नीचे साइड पे रख दो, मैं उठा लूंगा, फिर दोबारा वो वहीं चली जाती है. देखें बट आई एम ऑर्गेनाइज्ड टू द लेवल जिनके जो सबसे बड़े वाला शैम्पू और लोशन पूरे स्क्यू में होना चाहिए, सबसे बड़ा उधर सबसे छोटा है. इतने अनोइंग लोग होते हैं ऐसे, है ना. आई डोंट फोर्स हर टू डू दैट, आई डू इट मायसेल्फ. यू डू इट योरसेल्फ. चलो एटलीस्ट वन पर्सन इन द हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, वरना कभी मेहमान घर ना आ सके. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस. किसको याद रहती हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं? सारा कुछ ना अपने बात सुनो. अभी तुमने मेकअप रूम में पूछा था कि 30th नवंबर को है ना एनिवर्सरी. जब इन्होंने पूछा था, पूछवाया था, मुझे हमेशा 30th तो फर्स्ट का कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज़ फर्स्ट नहीं याद रहती ना फिर. अच्छा तो हम बता रही है कंफ्यूजन रहता है, असल में 29th को. ये अभी आप लाइव देख ले, अभी बोले फातिमा. याद है फातिमा भी इतना इतनी लड़ाई करोगी बर्थडे पे तो याद तो कर लूंगा मैं देख के रट्टा लगा लिया एंड में 17 दिसंबर नोटिफिकेशंस भी लगा ले, अलार्म्स भी बज रहे हैं उस दिन ताकि याद. आई एम रियली बैड एट बर्थडे टू, कोई बात नहीं, आई कैन रिलेट. अच्छा मैं एक दफा अपनी अम्मी की बर्थडे भूली थी, एक दफा जिंदगी में भूली भी नहीं थी, आई स्लेप्ट अर्ली तो मैंने कॉल नहीं की. उसके बाद से आई मीन 6-7 साल हो गए, अपनी बर्थडे पे वो मुझे 12 बजे कॉल करके विश करती है हमेशा. मैंने कहा बेटा तुम भूल ना जाओ, मैंने कहा मुझे पूरी जिंदगी अब ये नहीं भूलने देंगी, सो नेवर फॉरगेट योर मदर्स बर्थडे. अच्छा फजूल खर्च कौन ज्यादा है? प्राउडली प्राउडली जी बेहतरीन. अच्छा डाइट कॉन्शियस कौन ज्यादा है? वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. टाइम हमारे पास इतना कम रह गया है, ऑनेस्टली जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप वापस जाएं. रेसिपी दिखा दूंगी, मुझे रेसिपी का बताती है. देखिए रेसिपी बड़े मजे की बनी है हमारी. इसका नाम आलू हिली हीलियम, आलू हीलियो कुछ इसी तरह का ही नाम है इसका. मैंने कहा आज हमसे इसमें ना हम गाना गाते हुए क्योंकि ये बना रहे थे तो इसमें ये आलू हीलियो से आलू पीलियो ज्यादा हो गई है. लेकिन बड़े मजे की ये रेसिपी है, आपको हम अभी जो है खिलाते हैं. So thank you so much. It is lovely having you. Mashallah, you set such a beautiful example for all the married couples over there. शादी से थोड़ा कम डर लगता है आप लोगों को देखके. जितने भी लोग देखते हैं, हमें मेरे ख्याल में एक हफ्ते तक आना चाहिए ताकि आप फिर आपका डर खत्म हो जाए. नहीं नहीं मैं मुझे डर नहीं लगता, मुझे शौक ही नहीं है. वो मेरा डर कोई नहीं खत्म कर सकता. But on a serious note.
आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, आप हमेशा इतने ही खुश रहें, एक साथ इतने खुश रहें और ऐसी ही जो है. मुझे खुश लगा आप कहेंगे खूबसूरत रहें. खूबसूरत तो है ना, रहे भी खूबसूरत तो है, वो तो रहेंगे, वो तो मुझे पता है ना. थैंक्स हो जाए, थैंक्स थैंक्स टू द डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स. हो जाए क्यों, तुम हो जाओ खूबसूरत. नहीं, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ. वी विल कीप कॉलिंग यू इंशाल्लाह. यू आर वन ऑफ माय फेवरेट कपल्स. एंड मी थैंक यू. आपकी बारी है ना तारीफ करने की. यू कीप कॉलिंग अस, वी वोंट कम अगेन, सॉरी, बिकॉज़ इट्स टू फार अवे, इट्स टू फार अवे, बट it's always good to be here. Thank you so much for being so positive and we were here and to mera khud dil hota hai your producer who is a very good friend Rehan ke liye we are here and thank you so much. Thank you ji, thank you so much for being here. The